यहाँ क्या कर रहे हो? वो जाड़ों, वो गर्मियों, वो कहके कहते हैं हिंदुस्तान का मौसम कितना खुशगवार है कि यहाँ पर हर किस्म का फूल, यहाँ पर हर किस्म का फल, यहाँ पर हर किस्म के, तो सात दलीलें दी हैं और ये बताया है कि ये, और हर एक जगह एक चीज ये है कि इंसानियत दोस्ती। देखिए जो रूस का जो गफूर रऊफ है उसके जुमले सुन, ये बाहर खा, ये खुसरो की इंसान दोस्ती पर गुफ्तगू कर रहा है, कहता है, ये कह रहा है कि अमीर खुसरो अदब आलिया के उन असातिज़ा में से हैं जिनकी तख्लीकात पर इम्तदाद जमाना का कोई असर नहीं होता। वही बात जो निकोलसन ने कही कि बड़ा और आफाकी शायर वो है जो जमाने में महबूस और मुखय्यद नहीं होता, बल्कि इसका इत्तबा पहले से भी होता है, माजी से भी, और ये ख्वाब देखता है आइंदा का भी। इसी वजह से 800 साल गुजरने के बाद आज हम गालिब इंस्टीट्यूट में बैठे हुए, आज हम उर्दू तरक्की के आपके जो है बैनर के तहत खुसरो पर बात कर रहे हैं, वो ये चीज का दलील है कि हम इंसान दोस्ती पर, कौमी यकजहती पर है। जने हिंदू पर ऐसा शेर कहने वाला कोई अगर है तो बताएं, पेश कर, यही कौमी यकजहती, कम से कम 50 शेर पेश कर सकता हूं। वो जो एक शेर है कि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुसलसिल आता है उसमें खाम जाती है, बताने का मतलब ये है जिसको ताराचंद ने लिखा कि इस कौम ने इस मुल्क में जो कारनामे अंजाम दिए, जिसका मुमताज और नुमाइंदा शायर हजरत अमीर खुसरो दहलवी, वो एक कौमी यकजहती के लिए, वो इंसानी हुकूक के लिए है। वो ये कहते हैं, सुनिए, ये रशियन लिख रहा, लिखते हैं कि खुसरो के गीतों में मोहब्बत, दोस्ती, बुलंदी वो पाकिजगी, भाईचारे की, आम इंसाफ जैसे बुलंद अजबात, वो ख्यालात की अजमत भरी हुई। ये जो ख्याल है, ये जो खवाली है, ये जो समा है, इस सब का इख्तिरा खुसरो, ये जो सितार है, ये जो ढोल है, ये जो बाबुल के गीत हैं, ये जो धोम के, ये खुसरो की आपके जो है देह। खुसरो कहते हैं कि कितना मिनट रह गया, 4-5 मिनट मुझे बताते जाइए, क्यों क्या 5-6 मिनट में खत्म कर दूंगा आपके। मसला ये है कि इसके लिए मुझे जो है, आप ऐसा करें कि इधर साहब 3-4 लेक्चर आपके जो है फराहम करें तो मैं शायद अपने बताने को। देखिए असल में यह है कि अगर दरिया का पूरा पानी शीरें सींचा ना जा सके तो कम से कम अपने सागर में इतना तो खींचा जा सके कि कुछ प्यास खत्म हो सके। बहुत से मतालिब मैं आपके जो है पेशी नहीं कर सका, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब माँ को बहुत पसंद करते थे, बेटी के भी बहुत आशिक थे, दिखते हैं ये हुजूर की हदीस है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत, हर जाके जे पाई तू गुबारस, लेते जाइए ये शेर, हर जा हर मुकाम पर जे पाए तू गुबारस, तेरे पैर के नीचे जो खाक है मारा हमारे लिए, जे बहिश्त यादगार से एक बहिश्त है जो तमाम जिंदगी जो है हमारी माँ की अजमत के लिए बयान कर। वही नहीं बल्कि कहते हैं कि बी पिदर मुमकिन अशुद मालूम, बच्चा का जो बाप है वो मशकूक है, सदर से आप साबित नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं ये इसकी माँ है क्योंकि आपने देखा कि इसकी हामिलगी देखी, इसका जायशा देखा इसको, मगर इसका बाप कौन है? बड़ा नुक्ता असली कह रहे हैं, माँ और बाप का फर्क बता रहे, बी पदर मुमकिन अशुद मालूम, चू मसीहा जे मरियम ए मासूम, जिस तरीके से हजरत ईसा जो हैं मरियम ए मासूम के वतन से पैदा हुए, इसी वजह से लोग आपके जो है कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन यानी बाप का नाम एक मान है जो मशकूक हो सकता है, लेकिन
माँ मशकूक नहीं हो सकती। लेख बी मादर खजस्ते वजूद वल्दीराना गप्त कस मौलूद। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इसकी माँ मशकूक है, मर्द के बारे में कहा जा सकता है। तो मालूम यह हुआ कि मुस्तनद आपके जो है, जो चीज़ है वो माँ है। और आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कहते हैं, अफीफा के लिए कहते हैं कि सुनिए इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तू आँख के दीदे की तरह। मैं इस वजह से लिख रहा हूँ कि आपको नहीं मालूम, आप उठा के देखिए, आप लोग रिसर्च स्कॉलर से, शिबली ने जो आपके हयात खुसरो लिखी है उस दूसरे सफ़े पर खुसरो का बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ किताब बंद करके नहीं, लोगों ने जो इतराज़ किया कि खुसरो इज एंटी वूमन, आप क्या बकवास कर रहे हैं, कहते हैं खुसरो एंटी वूमन। देखिए क्या कह रहा है कि काश के तू बेटा होती, काश के तू आठ माह पैदा हो जाती, तू सती की रस्म की जो है वो कर रहा है। वो आपके हुकूक का इंसानी का साथ बढ़ता नहीं है, ये गुफ्तगू इसी वजह से हो रही है। कहते हैं बेटी के लिए, कहते हैं तू मेरी आंख के दीदे की तरह, जो आबरू और चमक के साथ अबरू के नीचे रहता है, मेहराब में मसरूफ रह। अगर तू नेक नाम रहना चाहती है तो पाकिजा रह और पाकिजों की तरह साथ मेल रख। तू बारिश के पानी की तरह पाकिजा रह और उससे बढ़कर सूरज के चश्मे के पानी से ज्यादा शफाफ हो जा। कहते हैं तू जानती है तेरा भाई, लेकिन जो मुकाम मेरे दिल में तेरे लिए है वो तेरे किसी भाई को जो है नसीब नहीं है। मस्तूरा को कहते हैं कि उसके बाद से वो पर्दादारी वगैरह की गुफ्तगू करते हैं कि तू पर्दे को रखें उससे जो है, क्योंकि उस जमाने में मसला ये था कि औरत की हिफाजत कामल तरीके से नहीं हो सकती। मैंने इस पर पूरा चैप्टर लिखा 800 years back, औरत का बाहर आना खतरनाक था, माहौल इस कदर खतरनाक था कि अगर कोई आपके जो है ये शहजादा वगैरह देख लेता जो हुक्मरानों का था, तो बस यूं समझिए कि आपके वो नापदीद हो जाता। उसको बचाने के लिए कहते हैं कि खुसरो का ये पैगाम है कि पर्दादारी औरत का बड़ा कीमती और उम्दा वस्फ है। यही नहीं बल्कि वो आपके कहते हैं अपनी खुसरो अपनी बेटी को खुले और बंद अल्फाज में इस्मत निगहदारी की अहमियत भी बताते हैं। और यही नहीं बल्कि वो बताते हैं कि जो है हमेशा ये तमाम चीज़ें खुसरो हुकूक ज़न के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो खुसरो वो है जिसने इंसानियत पर काम किया। काश कि आप लोग हश बहिश जो निज़ामी की हफ्त पैकर के जवाब में लिखी गई है उसके शेर, सिर्फ हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इशारों में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुसरो आशिक हुजूर अकरम थे। फरमाते हैं बे रविश मुस्तफा राहबा अफलाक न्यूज। अगर तुमने वही जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा बा मुस्तफा रसा खीश राके दीने दी हमाउस, अगर बाउन रसीदी तमाम बूल है भी, उसको 700 साल पहले इसी शेर को खुसरो ने कहा। बे रविश मुस्तफा राह पर अफलाक नीस, शरा अगर ऐ न बौशक शरस। अगर ये शरा जो है, ये शरीयत जो, अगर इसमें इंसानियत ना हो तो वो शर हो जाती। ये शेर जो कहा आँचे दर आलम न गुंजत आदमस, आँचे बा आलम ब गुंजत आलमस। ये अशार के जो मब्दा हैं बेदिल के पास जो आप देख रहे हैं, इन सब के मब्दों की जो फिक्र है, आप देखेंगे कि वो अमीर खुसरो है। और मसला बहुत दराज है, सिर्फ इस बात पर कहता हूँ आखिरी चीज कि खुसरो मूसखी में थी, उस जमाने का जो गोपाल नायक था उसको शिकस्त दी। तो एक किताब है आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर, मेरी किताब मेरे एक किताब खाने में भी मौजूद है, उसका नाम है तस्करे मैखाना। ये जहांगीर के जमाने में फारसी में लिखी गई, उसमें ये है, बस मैं एक मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, उसमें यह है
लिखते हैं कि एक मुतरबी यानी म्यूजिशियन खुसरो के पास आए और उसने कहा कि शायरी बड़ी है या मुसखी बड़ी है। खुसरो ने कहा इत्तेफाक से मैं ये दोनों में बड़ा हूं। मुतरबी मीगुफ बा खुसरो के गुंजे सुखन इल्म मुसखी से जिन से नज़्म नीकु दरबावत। खुसरो क्या ये मुसखी तुम नज़्म से बड़ी है? पासुखिश दादम के